सभी को नमस्कार। आज का सत्र आरंभ करते हैं। पिछले सत्र में हमने सात बोध्यांगों की बात करी थी, जो सेवन अवेकनिंग फैक्टर्स होते हैं। कैसे इन्हें हम अपनी साधना में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, धीरे धीरे इनके इस्तेमाल से परिचित हो सकते हैं। स्मृति जो है इन सातों बोध्यांगों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे मन की जो स्थिति है ये समझने में भी मदद करती है। स्मृति सबसे पहला बोध्यांग है और बाकी जो तीन हैं इनको तो बाकी जो छह हैं इनको तीन तीन के दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। तीन बोध्यांग ऐसे हैं जो कि हमें हमारे मन में पैदा होने वाली, उत्पन्न होने वाली बेचैनी को कम करने में मदद कर सकते हैं। पहला है इनमें पसदी या रिलैक्स स्टेप, जो हमारे मन में पैदा हुए तनाव और खिंचाव को शांत करने में मदद करता है। दूसरा है समाधि या कलेक्टेडनेस, अर्थात हम हमारे माइंड की एक यूनिफिकेशन बना के रख रहे हैं। हम अपने मन में अपने और अपने विचारों के बीच में अंतर बना के कुछ ये आशा रखें कि कुछ हो या कुछ ना हो, इस तरीके से हम अपने मन में जो पूरा वातावरण है उसको अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांटेंगे, बस शांति से देखेंगे कि हमारे मन के वातावरण में क्या क्या चीजें हो रही हैं। तीसरा जो बोध्यांग है जो बेचैनी से पेश आने में हमें मदद करता है वो है समता, या जिसको एक पाली में उपेक्षा कहते हैं, संस्कृत में उपेक्षा कहते हैं। इसका अर्थ है इक्वानिमिटी, किसी भी मन में आने वाले विचार से ना ज़्यादा आकर्षित होना ना उससे ज़्यादा परेशान या नाराज होना। ये तीन बोध्यांग हैं जो हमें बेचैनी से पेश आने में मदद करते हैं। और तीन बोध्यांग हैं जो मन में, एक तरफ जो बेचैनी होती है तो दूसरी तरफ हमारे मन में आलस पैदा हो सकता है, तो आलस से पेश आने के लिए हमारे पास तीन बोध्यांग हैं। एक है पिति, अर्थात एक प्रसन्नता लाना, एक खुशी से अपने साधना में लगे रहना, उसमें एक खुशी का भाव लेकर आना। दूसरा है वीर्य या एनर्जी, एक निश्चय करना मन में कि हम सीखने के लिए बैठे हैं, कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें उत्साह बनाए रखेंगे। और तीसरा है धम्म विचय या इन्वेस्टिगेशन, इसका अर्थ है कि मन की प्रक्रिया कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इससे मेरे जीवन में जो अलग अलग अनुभव होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं, इस चीज़ का सत्य जानने का की दिलचस्पी रखना, इसे धम्म विचय कहते हैं। तो ये तीन बोध्यांग हैं जो कि आलस से पेश आने में हमें मदद करते हैं। तो इसकी चर्चा हमने करी थी पिछले सत्र में। आज हम दो बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। एक जिसे कहते हैं त्रिलक्षण, या संसार के जो तीन कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण होते हैं जो गौतम बुद्ध ने बताए हैं, और दूसरे हम चर्चा करेंगे चार आर्य सत्य जो नोबल ट्रूथ्स कहते हैं कि क्या आर्य सत्य बताए गौतम बुद्ध, इनकी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं तीन लक्षण जो हैं संसार के। तो पहला है सबे संखार अनित्य। तो इसका मैं धीरे धीरे अर्थ समझाता हूं। तो सबसे पहले जो चीज हमने कही कि इसका अर्थ हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो ये है कि सारे संस्कृत जो भी चीजें हैं, और इसका क्या अर्थ है मैं बताऊंगा, सारी जो संस्कृत चीजें हैं ये अनित्य हैं या इम्परमानेंट हैं, कि ये सारे समय के लिए नहीं रहते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं और फिर बदल जाते हैं या मिट जाते हैं।
संस्कृत चीजें ऐसी होती हैं जो कि दूसरी, या इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कंडीशन्ड थिंग्स। संस्कृत चीजें ऐसी होती हैं जिनका खुद का एक परमानेंट अस्तित्व नहीं होता, एक नित्य अस्तित्व नहीं होता, ये बाकी चीजों के ऊपर निर्भर होती है। जैसे एक आप उदाहरण लें एक मेज का, तो ये मेज एक लकड़ी या पेड़ के होने के ऊपर निर्भर था, उसके ऊपर एक बढ़ई या कारपेंटर ने कुछ प्रक्रिया करी, उस पर निर्भर था, इसमें कुछ लोहे के हैंडल लगे हैं, कुछ लगे, इस पे निर्भर था, और आगे इसको कैसे यूज़ किया जाएगा उस पे निर्भर होगा, लकड़ी कैसे गलेगी इस पे निर्भर होगा, लोहा कैसे जंग खाएगा इस पर निर्भर होगा। तो ये एक संस्कृत चीज़ें हैं, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जो लकड़ी भी है वो भी एक संस्कृत चीज़ है, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ये चीज़ें इनका एक नित्य या परमानेंट करेक्टर नहीं होता, ये हमेशा बदलती रहती हैं, और इनका जो एक समय, किसी भी एक समय जो रूप होता है वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अब ये मेज है, इस पे मैं पानी गिरा दूँ तो उसका कंडीशन चेंज हो जाएगा, इसमें आग लग गई तो उसका कंडीशन चेंज हो जाएगा, बहुत गर्मी हो गई और कहीं इसमें कुछ पिघलने लगा, इससे इसका कंडीशन चेंज हो जाएगा। तो ये कंडीशंस के हिसाब से ये संस्कृत चीज़ें रहती हैं, इनका कोई एक अंत, एक अंदरूनी एक अस्तित्व नहीं होता जो कि नित्य या स्टेबल या परमानेंट। और संसार में किसी भी चीज़ को हम देखेंगे तो यही हम पाएंगे कि सारी चीज़ें अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंडेंट होते हैं, कि बहुत सारी चीज़ों के साथ आने और एक रूप में होने के बलबूते पर ये चीज़ें होती हैं। कोई भी आप चीज़ें ले लें, अगर एक प्राणी को ही ले लें, एक मैं आप हैं, तो हम भी कुछ कंडीशंस के वजह से हम आए इस दुनिया में, कुछ कंडीशंस के वजह से हम बढ़े उम्र में, साइज में, कुछ कंडीशंस के बलबूते हमारे जीवन में बदलाव आते हैं, कभी बीमारी हो जाती है, गलत खराब खाना खा लिया, वो हमारे संस्कृत, जो हम एक संस्कृत प्राणी है उसमें चला गया, उससे पेट खराब हो गया तो उसका रूप बदल गया। सारी चीज़ें जो हैं दुनिया में, कोई भी आप ले लें जो आपके मन में हो, भले वो एक भाव हो, भाव भी हमारे बदलते रहते हैं सारी चीज़ें, या कोई दुनिया या वातावरण में कोई चीज़ हो, कोई पेड़ हो, पौधा हो, मेज़ हो, चेयर हो, ये सारी चीज़ें कंडीशंस पर डिपेंडेंट होती है। क्या इसकी बनावट में क्या चीज़ आई, पहले ये नहीं होती हैं, फिर कुछ कंडीशंस की वजह से इनका निर्माण होता है, जैसे हमने मेज़ की बात करी थी कि पहले कोई मेज़ था नहीं, फिर एक बढ़े की मेहनत से ये मेज़ तैयार हुआ, फिर ये थोड़े टाइम बाद इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये मेज़ खत्म हो जाएगा। तो सारी चीज़ें अगर देखें, टाइम स्केल अलग हो सकता है, एक मक्खी होती है जो हमारे जो हाउस फ्लाइज होती हैं, इनका एक दिन का जीवन होता है, एक दिन में वो प्रकट होती हैं, उनका एक अस्तित्व होता है, फिर वो खत्म हो जाती है। तो अलग अलग टाइम स्केल पे भी आप देखें, और छोटे से टाइम स्केल पे भी देखें, तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ अंतर चलते रहते। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि सारे जो संस्कृत चीजें हैं वो अनित्य है, अनित्य अर्थात इम्परमानेंट। दूसरा जो लक्षण उन्होंने बताया कि सारी संस्कृत चीजें सभ्य संखार दुख, इसका अर्थ है कि सारी संस्कृत चीजें जो हैं ये अनसेटिस्फैक्टरी है, कि इसमें हम एक परमानेंट खुशी इसके साथ हम नहीं जोड़ सकते। और ये तीनों जो लक्षण हैं, अनित्यता, दुख और अनात्मन जो है, जिनके बारे में अभी चर्चा करेंगे अपन, ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये तीनों को साथ में समझना और कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं समझने से हमें आगे के लिए काफी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो जैसे मैं कह रहा था, सारे संस्कार जो हैं, सभ्य संस्कार दुख, दुख का अर्थ ये नहीं है कि हम बैठ के बस रो रहे हैं, सर पीट रहे हैं, बिल्कुल हताश हो गए हैं। दुख एक आप इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे खाने में अगर
नमक हो तो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है, एक एक मात्रा में होती है ना। तो अलग अलग मात्राएं होती हैं, वैसे ही दुख की भी अलग अलग मात्राएं होती हैं। इसको समझाने का दूसरा भी तरीका है, हम ये सोच सकते हैं कि किसी भी जो संस्कृत चीजें हैं, क्योंकि ये बदलती रहती हैं और क्योंकि इनका अस्तित्व जो है वो किसी न किसी समय खत्म भी हो जाएगा, तो किसी संस्कृत चीज को अगर हम एक परमानेंट खुशी की तरह ट्रीट करें कि ये चीज मुझे मिल गई, अब ये हमेशा मुझे पूरी तरह खुश रखेगी, तो ये गलत होगा। ये चीज जब जाएगी, ये भी अपने साथ एक दुख लेकर आएगी। इस चीज को हम कहते हैं सभ्य संस्कार दुख। कोई भी जो चीज संस्कृत है वो प्रकट होगी, फिर उसका अस्तित्व रहेगा थोड़े समय तक, फिर वो खत्म होगी। इसके साथ हम अपनी खुशी नहीं जोड़ सकते, ये अंत में आपके खुशी का आधार बनने में नाकामयाब रहेगा। तो ये दूसरा लक्षण है दुख का। तीसरा जो लक्षण है अनात्मान का, यहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं सभ्य धम्मा अनात्ता। इसका अर्थ है कि सारी जो यहाँ पे धर्म या धम्म का जो अर्थ है, ये सारी सारे फिनोमिना को इंक्लूड करती है, कि मतलब सारी जो चीजें हैं, भले वो संस्कृत हो असंस्कृत हो, कोई भी ऐसी चीज हो, और असंस्कृत सिर्फ एक चीज होती है जो कि निर्वाण होता है, जिसको बनाने में न कोई इसकी निर्मिति हुई है, ना किसी कंडीशंस के बेसिस पे वो निर्मित हुआ है, ना किसी कंडीशंस के बदलने पर वो गायब होगा। सारी जो चीजें हैं संस्कृत हो असंस्कृत हो, सभ्य धम्मा अनात्मा। अनात्मान का अर्थ है कि इसको हम पर्सनली नहीं ले सकते। कई लोग इसको सेल्फ नॉन सेल्फ, सेल्फ एग्जिस्ट नॉन सेल्फ एग्जिस्ट, इन चीजों में बहुत ज्यादा विचार करते हैं, लेकिन इस खासकर इस वाक्य पे हम गौर करें तो हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी चीज जो है उसको हम निजी नहीं मान सकते। जब तक हम निजी मानेंगे, क्योंकि वो अनित्य है, वो एक दिन आया था और एक दिन चले जाएगा, तो उससे हम दुख उत्पन्न करेंगे जब तक हम किसी चीज को निजी माने। और निजी जो है, जैसे हमने पहले भी बात करी थी, हम जब भी अपने बारे में सोचते हैं वो किसी भी प्रसंग में, किसी एक कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं। जैसे हमारे मन में कुछ स्पर्श होता है, जिस स्थिति के अनुसार हमारे मन में स्पर्श होता है, तो उस अनुसार हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं। उस समय हम अपना एक अस्तित्व अपने मन में बना लेते हैं, संस्कृत कर लेते हैं, और उसी को हम मानते हैं कि हमेशा यही एक हमारा सेल्फ कंटिन्यू होता है। जब हम बच्चे थे तो हम अपने आप को विद्यार्थी समझते थे, फिर हम एक रोजगार युवक युवती बने, इस तरीके से हमारे अस्तित्व होते हैं। कई बार हम अपने आप को एक आदमी या औरत समझते हैं, कभी अपने जो धर्म से हम अपना परिचय बनाते हैं, कभी अपने समूह से परिचय बनाते हैं, कभी अपने देश से परिचय बनाते हैं, कभी इंसान हैं और बाकी जानवर हैं इससे हम परिचय बनाते हैं। ये परिचय हमेशा एक प्रसंग के अनुसार हम बनाते रहते हैं, और हमें ये समझना जरूरी है कि ये एक जो फिनोमेना हुआ, जिस भी फिनोमेना से हमारे मन की प्रक्रियाएं होती हैं, वो हमारे लिए निजी नहीं है, ना हमने वो चाहा था, ना उसे हम कंट्रोल करते थे। कोई एक स्पर्श जो हुआ वो इम्पर्सनल है हमारे लिए, और वहां से जो हम एक सेल्फ का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं उस प्रसंग में अपनी प्रक्रिया करने के लिए, वो चीज एक परमानेंट सेल्फ नहीं है। ये भी एक संस्कृत चीज है, एक कंडीशन चीज है, उस प्रसंग से, उस प्रसंग में होने वाली बहुत सारी चीजें। और जैसे हमने पिछली बार जो हमारे पांच एग्रीगेट्स या स्कंद हैं, इनकी भी बात करी थी, तो ये जब स्कंद साथ में आते हैं
इससे हम अपने अपना परिचय बनाते हैं उस समय, जब एक रूप, वेदना, संस्कार, विज्ञान और संज्ञा, परसेप्शन जो है, ये सारी चीजें जब साथ में आती हैं, तब हमारा एक मानसिक अनुभव बनता है। और इस मानसिक अनुभव को बनाने की प्रक्रिया में ही हम अपने आप का, अपने सेल्फ का एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि जो भी चीजें हो रही हैं वो इम्पर्सनली हो रही हैं, और ये जो पर्सनालिटी जो हम इंट्रोड्यूस हो रही है, ये इस प्रक्रिया के बीच में होती है। जैसे हम तृष्णा के बलबूते अपना ध्यान बनाए रखते हैं किसी चीज के साथ, तो उस प्रक्रिया में हमारी जो एक आत्मन का निर्माण होता है, वो भी एक संस्कृत चीज है, ये भी इम्परमानेंट है। और कोई भी जो फिनोमेना है वो इम्पर्सनल है। जो एक पर्सनैलिटी हम उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, इसलिए क्योंकि हम सारी चीज़ों को एक हकीकत की तरह नहीं देख पाते हैं, ये नहीं देख पाते हैं कि बस एक चीज़ घटी है। जैसे पिछले कई सत्रों में हमने एक उदाहरण को भी यूज़ किया था कि पड़ोसी का कुत्ता भौंका और वो ध्वनि आई, उससे एक स्पर्श हुआ, तो ये जो स्पर्श हुआ, ये एक इनमें हमारी सारी चीजें, जो पांच हमारे स्कंध हैं, ये सब साथ आकर इस स्पर्श से लेकर आगे की प्रक्रिया होने में मदद करते हैं, जब इनमें तृष्णा और आलम्ब ये उपादान का मिलाव होता है। तो आगे हम सोचते हैं कि हमें क्यों ये नहीं पसंद है कि हम एक साधक हैं, साधना कर रहे हैं, और हमें शोर शराबा नहीं पसंद है। हम अपने पड़ोसी को भी एक व्यक्तित्व देते हैं, हम अपने और अपने पड़ोसी के भी एक रिश्ते को एक नाम दे देते हैं, एक रूप दे देते हैं उसको भी। ये सारी जो चीजें हुई, शुरू हुई एक ध्वनि से, वो कुत्ते के भौंकने की आवाज से, जो कि बिल्कुल हमसे जुड़ी नहीं थी, पर्सनल नहीं थी, ना हमने उसको निर्मित किया, वो बस एक घटना हुई। और इस घटना के आगे हम सारी चीजों को संस्कृत करते हुए हम अपने आप को भी संस्कृत हमने किया कि मैं कौन हूं और मुझे क्यों ये पसंद नहीं। जब ये चीज हम समझते हैं कि ये सारी चीजें, प्रक्रियाएं अनात्मान है, पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनली हो रही हैं, दुनिया में अलग अलग फिनोमेना आ रहे हैं जिनको हम समझ, हम अपनी प्रक्रिया आसान करने के लिए, जीवित रहने के लिए, बहुत ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके लिए होती हैं, बस कि आपको कम से कम पता रहे कि आप किस चीज़ को, किस व्यक्ति को, किस प्राणी को, क्या क्या चीज़ आप जीवित रखना चाह रहे हैं, इस चीज़ में कामदायक होती है। लेकिन इन चीज़ों से जब हम भावनाएं, उत्तेजना, ये सब चीज़ें जोड़ देते हैं, तो ये हमें नुकसान देती है। तो जब हम ये समझते हैं, और हम ये भी समझते हैं कि सारी चीज़ें अनित्य होती हैं, ये निर्मित हुई, अस्तित्व इनका रहा थोड़े समय और ये फिर ख़त्म हो गई, ये जब हम समझते हैं और जब हम अपनी इनको निजी नहीं मानते हैं, हर चीज़ को समझते हैं कि ये इम्पर्सनल है, तो जो दुख के उत्पन्न होने की का जो आधार होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से ये तीनों लक्षण जुड़े हुए हैं। हम अगर अनात्मान या सारे सभ्य धम अनत्ता, यानी सारे जो फिनोमिना है ये पर्सनल नहीं है, अगर ये चीज़ हम नहीं समझते हैं, हम एक परमानेंट सेल्फ में बिलीव करते हैं कि हाँ मैं ये हूँ, तो सारे जो संस्कृत चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं, जो कि अनित्य हैं, हम चाहते हैं कि ये ऐसे ही रहें अगर हमें वो खुशी देते हैं, और हम चाहते हैं कि ये गायब हो जाएं अगर वो हमें खुशी नहीं देते। लेकिन जब इनका रूप बदल जाता है, जब ये क्योंकि ये अनित्य है, इनका रूप हमेशा बदलते रहता है, ये या ये गायब हो जाते हैं, तब हमें दुख होता है, क्योंकि हम अपना एक व्यक्तित्व बनाते हैं और अपनी खुशी या दुख हम इन अनित्य संस्कृतियों के साथ जोड़ देते हैं। और इनमें जब अनित्यता आती है, जब ये बदलते हैं, इनका रूप बदलता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। जैसे सत्र आरम्भ होने के पहले भी मिलिंद जी पूछ रहे थे कि व्याकुल होना, परेशान होना, उत्तेजित होना, इसे कैसे डील, ये इसलिए हुई है क्योंकि जो भी प्रसंग था
पहले आपने ये तो पहचाना नहीं कि ये जो भी प्रसंग है ये चीज बदल सकती है, ये हमेशा बदलाव में ही की ही स्थिति में रहती है। कुछ निर्माण होता है, कुछ रूप धारण होता है और उसके बाद ये बदल के या तो दूसरे रूप में चली जाती है या खत्म हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि एक चीज ऐसे ही रहे और जो भी चीज हमारे अनुभव में आती है उसको हम हमेशा एक पर्सनल बना देते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ, ये मेरे लिए अच्छी चीज है ये नहीं है। हम पूरे एक संसार में एक लकीर खींच देते हैं, उसके एक तरफ जो हमारा एक हमारे मन में जो निर्मित एक व्यक्तित्व है उसको रखते हैं, फिर बाकी संसार को हम देखते हैं कि क्या ये इसके फायदेमंद है या नुकसानमंद है। और फायदेमंद हो तो हम लोभ के साथ जुड़ जाते हैं कि ये मुझे और चाहिए, नुकसानमंद हो तो हम परेशान हो जाते हैं कि हम इस पे लड़ जाएंगे, हमें ये नहीं चाहिए, और वहां से हमारा दुख उत्पन्न होता है। ये तीन लक्षणों को लेकर इसके साथ अब हम चार जो आर्य सत्य हैं, खासकर ये जो दुख का आर्य सत्य है, और जो दुख जो है वो अनित्यता और अनात्ता से भी, अनात्मन से भी जुड़ा हुआ है, तो इस दुख के अस्तित्व और इसको खत्म करने के लिए क्या रास्ता है, इसके बारे में गौतम बुद्ध ने चार आर्य सत्य सिखाए हैं। क्या है ये आर्य सत्य? पहला सत्य है कि हाँ, संसार में दुख है, ये हम सभी जानते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर चीज ही दुखदायक है या हम हमेशा हताश हों, हैं हमेशा रो पेट रहें, ऐसा हमारे अनुभव में भी होता नहीं। लेकिन हर चीज में, जैसे हमने कहा कि नमक की अलग अलग मात्रा हो सकती है खाने में, तो एक सेटिस्फैक्ट्रीनेस की अलग या डिससेटिस्फैक्ट्रीनेस असंतुष्टि जो होती है वो अलग अलग मात्रा में हर चीज में होती है। कोई चीज जैसे हमें पसंद है, हम चाहते हैं कि वो वैसे ही रहे या हम उसको और मात्रा में चाहते हैं। कोई चीज हमें नहीं पसंद है, हम चाहते हैं कि वो ना हो, या अगर हो तो हम चाहते हैं कि वो चले जाए। इस तरीके से हमेशा एक छोटी सी कम से कम असंतुष्टि होती है और कई बार बहुत ज्यादा होती है। दूसरा आर्य सत्य है इसके कि ये कहाँ से इसका निर्माण होता है या इसका ओरिजिन क्या है या इसका समुदाय या मूल क्या है, कि ये कैसे इस ये जो दुख है ये कहाँ से निर्मित होता है। इस दुख का जो मूल है वो भगवान बुद्ध ने बताया है तृष्णा है। तृष्णा की कई बार हमने बात करी है, कहा है कि इस तृष्णा का लक्षण होता है जो हमारे मन में तनाव या खिंचाव होता है, और यही तनाव जो खिंचाव जो है, ये तृष्णा जो है, ये जैसे हमने बात करी थी कि हमारे मन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहता है, इसको निजी बनाते रहता है, और जैसे हम चीजों को निजी बनाते रहते हैं तो हम उसमें खुद दुख उत्पन्न करने लगते हैं, क्योंकि वो चीज जो है वो आपकी पसंद नापसंद की जो चीज है वो आपके व्यक्तित्व और अस्तित्व दोनों से जुड़ी हुई, कि अगर ये चीज बनी रहे या ज्यादा हो तो मैं प्रसन्न रहूंगा, नहीं बनी रहे या अगर जो मुझे पसंद नहीं वो बनी रहे तो मैं दुखी हो जाऊं, तो ये हम पर्सनली ले लेते हैं। तृष्णा है वो आधार जिससे कोई भी एक स्पर्श होता है वो आगे जाकर दुख में तब्दील होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि दुख का समुदाय या मूल जो है वो तृष्णा है। तीसरी चीज वो कहते हैं जो कि हमारे वो कहते हैं कि तृष्णा नहीं रहेगी तो तृष्णा अगर संपन्न हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी तो दुख भी समाप्त हो जाएगा। यही हम जैसे सत्र के शुरुआत के पहले भी हम बात कर रहे थे कि इस तृष्णा के बलबूते ही जब हम चीजों को निजी बना रहे हैं और भावुक और उत्तेजित हो रहे हैं, अगर ये तृष्णा नहीं रहती है तो हम हकीकत को हकीकत की तरह देख सकते हैं, यथाभूत रियलिटी को जैसी है वैसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं बिना निजी बनाए, और उसके साथ हम पेश आ सकते हैं। जब हम इसको निजी बनाए और निजी ना बनाए और अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व को इसके साथ ना जोड़े तो इसमें दुख उत्पन्न होने की संभावना नहीं। यही तीसरा आर्य सत्य है कि दुख
का जो आधार है वो है, दुख का आधार जो तृष्णा है उसको हम समाप्त करेंगे तो दुख भी समाप्त हो जाए। और चौथा है इसको करने का, इस तृष्णा को खत्म करने और दुख को खत्म करने का एक मार्ग भी है। अर्थात ये ऐसा नहीं है कि हम ठीक है हम समझ गए कि दुख को खत्म करने के लिए तृष्णा खत्म करना आवश्यक है, लेकिन वो करने का कोई तरीका नहीं। और ये जो मार्ग है इसके एक अष्टांग मार्ग की तरह भगवान बुद्ध ने सिखाया है, और ये बिल्कुल हमारा जो 6 कदम हम जो यूज करते हैं बिल्कुल उससे आइडेंटिकल है। उसका ज्यादा विस्तार है जो अष्टांग मार्ग है, अगले सत्र में उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम 6 कदम यूज करते हैं तो यही काम करते हैं, हम किसी भी मानसिक प्रक्रिया जो हो रही है, किसी विचार में हम हमारा ध्यान जो फंस जाता है उसमें 6 कदमों का इस्तेमाल करते हैं। 3 कदम जो हैं इसमें, जैसे मैंने बताया था कि ये तृष्णा को कम करने में मदद करते हैं, जो रिलीज स्टेप है कि हम ध्यान नहीं बनाए रखेंगे किसी, हमारे ध्यान का पोषण नहीं देंगे उस विचार को। दूसरा, तीसरा जो हमारा स्टेप है रिलैक्स का, कि जो कृष्णा का जो लक्षण होता है तनाव या खिंचाव उसको शांत करेंगे। और तीसरा जो हमारा चौथा स्टेप है हमारे 6 कदमों में, वो चीज है जो मुस्कुराना, मुस्कुराने से भी तृष्णा कम होती है। तो 6 कदमों का जैसे हम इस्तेमाल करते हैं तो तृष्णा उससे कम होती है, यही हमारा मार्ग है। और तृष्णा के कम होने से या खत्म होने से दुख भी उससे जुड़ा हुआ, उस तृष्णा से जो उत्पन्न होने वाला दुख है वो भी खत्म हो जाता है। तो यही 4 आर्य सत्य हैं, यही मार्ग है, और यही जो डिल्यूजन होता है हमारा, जो हम चीजों को निजी मानने लगते हैं, वही चीजें हमें संसार के अलग अलग संस्कृतियों की अनित्यता जो है उसकी वजह से हमें दुख उत्पन्न करने की स्थिति में ले आते हैं। तो ये थे 3 लक्षण संसार के और जो 4 आर्य सत्य हैं। एक दो सवाल पूछे गए हैं जो मैं सामूहिक साधना के बाद इनका उत्तर दूंगा। अब हम साधना शुरू कर सकते हैं। एक बार मैं शुरू करने के लिए घंटी बजा दूंगा, और जैसे ये आधा घंटा हमारा समाप्त होगा तो दोबारा एक बार घंटी बजा। सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि आधे घंटे का अभ्यास अच्छे से गया हो। कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कान दिख रही है मुझे। अब प्रश्नोत्तर आरंभ कर सकते हैं। ये सुनील नखाटे जी ने सवाल पूछा है चैट पर, कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द विपासना एज टॉट बाय SN गोयनका जी एंड दिस शमत विपश्यना। तो इनका सवाल है कि जो गोयनका जी जो विपश्यना सिखाते थे और हम हमारी जो साधना है इसमें क्या अंतर है। सुनील जी, इसमें 2 अंतर हैं, और क्यों ये अंतर हैं इसके बारे में आप हमारे कुछ पुराने वीडियोस में और विस्तार किया हुआ है इस पर, लेकिन मैं आज भी थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। अंतर जो है, 2 चीज हैं जो हमारे साधना का आलंबन है। हम इसमें इस साधना में हम मंगल मैत्री से शुरू करते हैं। ये ब्रह्म विहारों से जुड़ी हुई साधना है। हमारे साधना का आलंबन पहले मंगल मैत्री से हम शुरुआत करते हैं। पिछले सत्र का वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसके पहले भी 2-3 वीडियोस हैं जिसमें पूरे ये साधना करने का तरीका बताया गया है।
इसमें हम सबसे पहले ये मंगल मैत्री की भावना जगाते हैं, उत्पन्न करते हैं। एक हमारे अतीत में घटी कोई घटना याद करते हैं जिसमें हम सुखी थे, शांत थे, संतुष्ट थे, और उस समय जो हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न हुआ था, उस भाव को हम अपने हृदय के केंद्र में डालते हैं और कामना करते हैं कि मैं उसी तरह खुश रहूं, संतुष्ट रहूं, शांत रहूं। ऐसे हम 10 मिनट के लिए करते हैं और बाकी के जो हमारा अभ्यास का सत्र है उसमें हम ये मंगल मैत्री की का जो भाव है जो हमारे हृदय के केंद्र में हमने उत्पन्न किया है, जो हम जिसकी कामना हम अपने आप को कर रहे थे, ये भाव हम अपने एक आध्यात्मिक मित्र को भेजेंगे। ये आध्यात्मिक मित्र चुनने का तरीका भी बताया हुआ है कि कोई जीवित व्यक्ति हो, ऐसे हों जिनके लिए भला सोचना हमारे लिए स्वाभाविक हो, आसान हो, परिवार के सदस्य ना हो, ऐसे कोई व्यक्ति ना हो जिनसे हमें कोई शारीरिक आकर्षण होने की संभावना हो। ऐसे एक आध्यात्मिक मित्र को चुनेंगे, एक ही मित्र के साथ हम चलेंगे और इनको हम मंगल मैत्री की भावना भेजेंगे 10 मिनट अपने आप को भेजने के बाद। तो ये है संक्षेप में ये साधना का जो आलंबन है उसके बारे में, ये जो अंतर है गोयनका विपासना से, और इसमें हम श्वास का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि साधना का आलंबन केवल एक आलंबन होता है, साधना करने का एक तरीका जो होता है वो भी अलग होता है। इस साधना में जैसे हम मन में उत्पन्न होने वाले विचारों या अलग अलग जो स्पर्श से हमारा मन भटक जाता है, ध्यान भटक जाता है, तो उससे कैसे पेश आते हैं ये भी इसमें थोड़ा अंतर है। मन हम हमारा जब भी भटक जाता है हम 6 कदमों का इस्तेमाल करते हैं। पहला कदम है रेकग्नाइज, अर्थात जो हमारा मन भटका है ये पहचानना कि हमारा मन साधना के आलम्बन से उठकर किसी अन्य विचार में जूझ चुका है, ये पहला कदम है। दूसरा कदम है रिलीज, यहाँ हम कहते हैं कि अपने ध्यान को उस विचार या वस्तु से हटा देते हैं, ये निर्णय करते हैं कि इसको अपने ध्यान का पोषण नहीं देंगे। तीसरा कदम है रिलैक्स, अर्थात हमारे मन में एक जब भी किसी विचार पे हमारा ध्यान भटकता है तो एक तनाव खिंचाव पैदा होता है। ये तनाव खिंचाव जो है ये उस तृष्णा का लक्षण है जिसके आधार पर ये कोई भी हमारे जो स्पर्श होता है हमारे अंग पर वो आगे बढ़कर जो विचारों में बदल जाता है, उसका आधार ये तृष्णा होता है। और ये जब हम रिकग्नाइज करते हैं तो हमारा हम अधिकतर तभी रिकग्नाइज करते हैं जब हमारा मन किसी विचार में पहले ही जुड़ चुका हो, अटक चुका हो, उसके आधार में एक तृष्णा होती है। उस तृष्णा को कम करने के लिए हम ये रिलैक्स स्टेप यूज करते हैं जिससे हमारे मन में होने वाले तनाव खिंचाव को हम ढीला करते हैं। चौथा कदम है रीस्माइल, ये एक मुस्कुराने वाली साधना है, ये भी एक अंतर है। जब भी हम मुस्कुराते हैं हमारा मन थोड़ा उत्कृष्ट होता है, इससे भी हमारे मन में पैदा हुई तृष्णा को कम करने में मदद मिलती है। चौथा कदम हम रीस्माइल करते हैं, वापस मुस्कान लेकर आते हैं अपने चेहरे पर। पांचवा कदम है हम फिर अपने साधना के आलंबन पर अपना ध्यान लेकर जाते हैं, अर्थात अपने आप को या अपने आध्यात्मिक मित्र को मंगल मैत्री का भाव जो हम भेज रहे हैं, ये पांचवा कदम है। और छठा कदम है इस मंगल मैत्री के भाव को बरकरार रखना, और कभी हमारा मन दोबारा किसी चीज विचार से आकर्षित हो जाता है तो यही इन कदमों का फिर इस्तेमाल कर वापस अपने ध्यान को लेकर आना। तो ये 6 कदम है, इसमें खासकर जो रिलैक्स और स्माइल वाले जो कदम है ये इसमें अंतर लाते हैं, और इस अंतर के वजह से ये विपश्यना से शमत विपश्यना में बदल जाता है। शमत विपश्यना क्या है? शमत का अर्थ है एक ट्रैंक्विल माइंड। ये आपने अगर ध्यान समापति या समाधियों के बारे में अगर सुना हो, 8 ध्यान समापति होते हैं, 8 समाधियां होती हैं जिससे हमारा मन गुजरता है जब हमारी साधना गहरी होती जाती है, हमारा मन
गहरा होते जाता है। ये 8 स्तर होते हैं, ये 8 स्तर से एक एक करके गुजरता है। इनकी खासियत ये होती है कि जैसे हम ये 8 स्तर से गुजरते हैं तो हमारा मन बहुत ही स्थिर या स्टेबल हो जाता है। इस स्टेबल माइंड में क्या होता है कि हम अलग अलग जो हमारे मन की प्रक्रियाएं हो रही हैं उसमें हम अंतर देखने के काबिल हो जाते हैं, और ये जो प्रक्रियाएं हो रही हैं इनके जो अलग अलग स्टेजेस हैं, जो अलग अलग पड़ाव हैं, वो भी हम उनसे परिचित होना आरंभ कर देते हैं। जो हमारे प्रतीत समुपादाय या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या डिपेंडेंट कोअराइजिंग जो कहते हैं कि कभी भी एक स्पर्श होता है जिसमें एक बाहरी एक ध्वनि या प्रकाश हमारे एक अंग से मिल जाता है, जैसे हमारे कान हो या आंख हो, और साथ में हमारा एक सुनने या देखने की जो क्षमता या विज्ञान होते हैं, ये तीनों जब साथ में आते हैं तो स्पर्श होता है। स्पर्श से वेदना जागती है, एक फीलिंग जो कि या तो प्लेजेंट होती है या अनप्लेजेंट होती है या न्यूट्रल होती है, कि या तो खुश करने वाली होती है, परेशान करने वाली होती है या न्यूट्रल होती है। वेदना के आगे हमारा तृष्णा उत्पन्न होती है कि इस वेदना को मैं पसंद करता हूँ, नहीं पसंद करता हूँ, और इसके हिसाब से क्या प्रक्रिया होनी चाहिए आगे, ये शुरुआत होती है। इस तृष्णा के आगे हमारा उपादान होता है कि हम अपनी कहानी से जुड़ने लगते हैं कि क्यों मुझे पसंद नहीं है या क्यों पसंद है। उपादान के आगे हम भव की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे हमारी जो आदतें होती हैं, उन आदतें जो हमारे संस्कार होते हैं, जो हमारे जो अलग अलग चीज़ों की छवि हमारे मन पर, हमारे संस्कारों पर पड़ी है जीवन में, उसके हिसाब से हम अलग अलग आदतें बनाते हैं, और उन आदतों के हिसाब से हम प्रतिक्रिया या रिएक्शन कर जाते हैं। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है, ये समझने में अलग अलग ध्यान के जो या समाधियों के जो स्तर है उससे जैसे हम गुजरते हैं तो हमारा मन इतना गहरा और इतना स्थिर हो जाता है कि हम ये जो अलग प्रक्रियाएं हैं इनसे परिचित होना शुरू करते हैं। तो ये है शमत और विपश्यना। इसमें हम जो एक मन के भटकाव के बारे में परिचय भी कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं, जो कि विपश्यना होती है, और साथ में ही हम एक बिल्कुल स्थिर पड़ावों से हम गुजरते हैं जिससे ये प्रक्रिया दिखने में हमें और आसानी हो जाती है। तो ये शमत विपश्यना साथ में करना है। ये ऐसा नहीं है कोई अलग प्रैक्टिस, अभी न्यूली इन्वेंटेड प्रैक्टिस नहीं है, ये गौतम बुद्ध ने स्वयं सिखाया। तो शमत है या ध्यान प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, ध्यान समाप्ति या समाधियों से अपनी समझ बढ़ाना जिसे कहते हैं, मतलब मध्यम निकाय अगर हम देखेंगे जो मिडिल लेंथ डिस्कोर्सेस हैं, उसमें 152 सूत्रों में से कम 50 में ध्यान समापतियों की चर्चा करी है, इसके बारे में विस्तार करा है भगवान बुद्ध ने उनके शिष्यों ने। और अगर हम मंगल मैत्री की भी बात करें तो कम से कम 12 सूत्रों में मंगल मैत्री के प्रयोग के बारे में भगवान बुद्ध ने बताया है। तो ऐसा कोई नई आविष्कारित चीज नहीं है, ये भगवान बुद्ध ने जो सिखाया है, और मध्यम निकाय जो सबसे उनकी जो पुरानी जो सूत्र हैं वहां से ये जो शिक्षा है वहीं से आ रही है सीधे। तो ये शमत विपश्यना के बारे में था। कुछ और आपके सवाल हो सुनील जी तो आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब का सवाल है, रोज कितने घंटे साधना करना आवश्यक है कम से कम? कितनी साधना करनी है ये बिल्कुल संपूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे अपनी कुशलता बढ़ाना चाहते हैं। और जैसे हमने शुरुआती चर्चा करी थी, जैसे हम कुशलता बढ़ाते हैं तो हम चीज़ों को निजी समझना बंद करते हैं, उनकी अनित्यता से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे जीवन में दुख उतना नहीं उत्पन्न होता। तो अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो एक डिसिप्लिन, एक निष्ठा रखें,
प्रैक्टिस की ओर। रोज मेरा सुझाव है कि रोज सुबह उठते ही कम से कम आधा घंटा एक अभ्यास में जरूरी है, क्योंकि इतना समय, 20 मिनट समय लग जाता है हमारे मन को बाकी व्यावहारिक जीवन के जो शोर शराबा है, जो हमारे मन में भी वो एक मानसिक शोर की तरह उत्पन्न होता है, तो उसको उसके शांत होने के लिए और हमें कुछ इंसाइट्स मिलने के लिए इतना समय लग जाता है। तो कम से कम आधा घंटा हमें सुबह एक बार करना चाहिए। अगर हो सके तो दिन में दो बार बैठ के साधना और कम से कम एक बार चलते हुए साधना, जो कि आप किसी भी एक बैठक के बाद आप शुरू कर सकते हैं चंक्रमण ध्यान। ये मैं इसका सुझाव दूंगा, कम से कम दो बार आधे घंटे और एक बार 15 मिनट। अगर नहीं हो पाता है, जितना सुबह अगर आप कर लेंगे एक, तो वो काफी फायदेमंद रहता है, क्योंकि बाकी दिन में कई चीजें आती हैं जिसकी हमने प्लान करी नहीं होती है और हमारे समय का जो हमने प्लान बनाया होता है वो वैसे उस हिसाब से चल नहीं पाता है। सुबह एक कम से कम कर लें तो बहुत अच्छा होगा। नहीं कर पाते हैं तो भी दिन भर मंगल मैत्री आप अपने आध्यात्मिक मित्र को भेजते रहें, आपके सामने जो हैं उनको भेजते रहें। कोई भी जो कार्य है जो जिसमें बहुत ज़्यादा हमारी दिमाग की एक जो इंटेलेक्चुअल शक्ति है उसका काम ना हो, तब हम मंगल मैत्री भेजते रहें अपने आध्यात्मिक मित्र या जो हमारे आसपास हैं उन लोगों को। जब भी हम उसमें अपने 6 कदमों का भी इस्तेमाल करें, जब भी हमारा मन ज्यादा भावुक या उत्तेजित होता है तो ये समझें इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारा ध्यान किसी एक विचार में अटक गया है। अब उस विचार से जुड़ी कहानियां बन चुकी हैं और उन कहानियों को हमने अपना अस्तित्व समझ लिया है कि यही हमारी असलियत है और इस पल में जो फैसला होगा उसी से मेरी खुशी और मेरा दुख जो है उसी से इसका निर्णय होगा। ऐसे एक झूठी कहानी में हम फंस जाते हैं। तो जब भी आप ज्यादा भावुक या उत्तेजित हो या आपका मन भटक रहा हो कहीं, तो ये समझिए कि बस ऐसे ही तृष्णा आपके मन में उत्पन्न हो गई है और उसके बलबूते आप एक काल्पनिक जीवन जी रहे हैं, आप हकीकत से परिचित नहीं है। उस समय आप 6 कदमों का इस्तेमाल कीजिए और मंगल मैत्री का भाव भेजना शुरू करिए। ये आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे जीवन के प्रसंगों में आपको जो आमतौर से आपको लगे कि बहुत कठिन प्रसंग है, बहुत दुखदायक या उत्तेजित करने वाला प्रसंग है, उसमें पेश आने में बहुत बहुत ज्यादा सरलता हो जाएगी, क्योंकि आप उसको निजी नहीं मान रहे, आप अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व को दाव पर नहीं लगा रहे, बस केवल ये समझ कर ये तो एक घटना घटी है। ये नहीं सोचना कि मैं खुश हूं, मैं परेशान हूं या आपने मेरे साथ ये क्यों किया, बस ये सोचना कि ये घटना घटी है। अगर ये केवल इसको एक घटना की तरह समझेंगे और समझेंगे कि इसके ऊपर मन की प्रक्रिया होना स्वाभाविक है, तो उस जो भावुक या उत्तेजित स्थिति में 6 कदमों का इस्तेमाल करके हम उससे बाहर निकल सकते हैं और केवल जो स्थिति है, जो हकीकत है, उसके लिए जो भी उचित हमारे ओर से कार्य हो, कर्म हो, वो काम हम करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि इसमें मेरा फायदा है, नुकसान है, मैं खुश हूँ, मेरा मान हुआ है, अपमान हुआ है, ये सब चीजें इन कहानियों में नहीं रहेंगे। केवल जो उचित कार्य रहेगा वो करेंगे और क्या उचित है ये हमें धीरे धीरे जैसे हम साधना करते हैं तो हमारी जो एक इंट्यूशन है, एक अंदर की जो समझ है कि क्या उचित है, क्या शीलतापूर्वक है, ये सब चीजें हमें समझ में आने लगी और हम बहुत स्वाभाविक तौर से शीलतापूर्वक कार्य करेंगे किसी भी प्रसंग। तो समरी में बस ये है कि आधे घंटे की दो बार सिटिंग और एक 15 मिनट की चंक्रमण ध्यान अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी आप बाकी आपके जीवन में जब भी आपका बहुत कोई मुश्किल दिमाग लगाने वाला काम ना हो तो उस समय आप मंगल मैत्री भेजते रहें, 6 कदमों का इस्तेमाल करें जब भी मन भटक जाए, या इसके अलावा जब आप खाली हों तभी ये काम कर सकते हैं, और इसके अलावा जब भी आप ज़्यादा भावुक या उत्तेजित हो जाएं, दुखी हो जाएं, उस समय भी 6 कदमों का इस्तेमाल करिए, मंगल मैत्री भेजिए, आप उस एक काल्पनिक परिस्थिति से निकलकर जो हकीकत है उसके लिए जो जो भी आप उचित
उचित कार्य करना चाहिए आपको वो आप करेंगे। सुनील जी आप नए हैं, आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अभी मैंने जो बताया उस पर। और किसी के कोई सवाल हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। नमस्ते, मेरा एक सवाल है। पूछिए सर। समझो अपने को एलर्जी कोल्ड है और शरीर में फीलिंग अच्छी नहीं आ रही हो, तो ये साधना सोके भी कर सकते हैं या जब भी अपन फ्री टाइम में है और अपना एलर्जी कोल्ड के कारण बॉडी अपना अच्छा महसूस नहीं कर रही है तो सोके भी मंगल मैत्री कर सकते हैं? सो कर नहीं, लेट कर, अगर आप कह रहे हैं लेट कर करा जा सकता है। इसमें बस एक चीज है कि लेटते समय क्या है कि आपका, जैसे हमने बोला था कि एक तरीके की जो बाधा होती है वो होती है आलस्य की। तो लेटने से सबसे ज्यादा यही होता है कि एक जो आपके मन का उत्साह और दिलचस्पी और जो एक प्रीति या प्रसन्नता बना के आपके रखने की जरूरत है, वो उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि थोड़ी आपका आपकी दिलचस्पी बनी रहे, सतर्कता बनी रहे, वरना बहुत आसान हो जाता है कि मन भी थोड़ा शांत हो जाता है तो नींद या आलस होने की संभावना होती है। लेट के आप करेंगे तो एक और सुझाव है, ये बंते जी कहते हैं कि राइट साइड पर अगर लेट कर ध्यान करें तो वो ज्यादा सही रहता है। ये भगवान बुद्ध ने भी अलग अलग पोस्टर्स बताए हैं जिसमें करे जा सकते हैं, तो लेट कर भी करा जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे मैंने कहा कि बस थोड़ी इसमें संभावना होती है कि आपका मन आलसी हो जाए थोड़ा या नींद आ जाए, तो उससे थोड़ा आपको सतर्क करना पड़ेगा। बाकी आप जैसे मैंने कहा कि कोई भी साधारण कार्य कर रहे हों जीवन में जिसमें बहुत ज़्यादा हमें गणित ना करना पड़े, बहुत ज्यादा सोच विचार विमर्श ना करना पड़े, तो उस समय भी आप बनाए रखें। जैसे हमने बात करी थी स्मृति की, हम क्या कुशलता बनाना चाहते हैं, हम ये कुशलता बनाना चाहते हैं कि मन के भटकाव की जो प्रक्रिया है इसकी ओर हम जागृत रहें, कि हम हमारे मन में हमेशा एक वो जागृतता रहे कि हमारे मन का भटकाव कैसे एक चीज से दूसरी चीज पर हो रहा है। और ये चीज करने के लिए सबसे बढ़िया है अगर हम मैत्री हम भेजते हैं तो हमारे मन में तृष्णा कम हो जाती है, जब भी कोई मन के भटकाव की प्रक्रिया होती है तो उसमें तृष्णा अवश्य उत्पन्न होती है, और जब हमारे मन में कम तृष्णा होती है और उसमें तृष्णा उत्पन्न होती है तो उससे हम आराम से परिचित हो सकते हैं। जितना दिन में आप मंगल मैत्री भेजते रहें तो धीरे धीरे अंदर आप इस चीज से परिचित होने लगेंगे, आपका जो ज्ञान है इस विषय पर वो बढ़ते जाएगा। तो संक्षेप में उत्तर ये है कि हम अपनी सतर्कता का थोड़ा ध्यान ठीक है। थैंक यू। आज दो तीन और लोग नए दिख रहे हैं मुझे, वेद जी और प्रशांत जी। आप पहले मंगल मैत्री की साधना कर चुके हैं कि ये पहला अवसर है? राजू जी, तो मैं एक प्रश्न पूछूंगा। ये मेंटल प्रोलिफरेशन को कैसे डील करना है, इसके ऊपर एक बात। सबका जवाब एक ही है, छह कदमों का इस्तेमाल करिए। मेंटल प्रोलिफरेशन क्यों होता है, हम कृष्णा क्यों पैदा होती है, क्यों हम किसी चीज से जुड़ते हैं? तो कोई भी जो जीवित प्राणी होता है उसके लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं। एक उसका सर्वाइवल या जीवित रहना, खतरों से बचना, कुछ पोषण मिलना, ये सब चीजें।
दूसरी चीज है कि आगे अपने वंश को बढ़ाना, प्रोक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, क्योंकि अगर कोई ऐसा जीव हो जो ये काम ना करे तो वो आज के समय होगा ही नहीं. ये एक नेचुरल टेंडेंसी है, इसलिए ये सारे जो स्पीशीज हैं, सारे जो प्राणी हैं, वो आगे अपने वंशों को जन्म देते गए और हम यहाँ पर. तीसरी चीज है ऊर्जा की बजटिंग करना, कि एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, कि हम कितना खाते हैं और कितनी खपत करते हैं. तो हमारा मन हमेशा, मतलब कोई भी प्राणी जो जीवित होता है उसे ये जरूरी है कि जितना वो खाता है, जितना पोषण लेता है, उससे कम खर्च करे, तब वरना आगे वो बढ़ नहीं पाएगा. ये तीन चीजें होती हैं. तो तृष्णा जो होती है वो एक ऐसा आधार होता है जिससे हर एक स्थिति में मन सोचता है कि क्या ये स्थिति मेरे लिए हानिकारक है या फायदेमंद है, क्या ये इन तीनों चीजों के लिए जरूरी है. हर प्राणी के लिए होता है ये, क्या ये तीनों चीजों के लिए क्या कोई खतरा है जिससे मेरे जीवन या अस्तित्व को खत्म होने का खतरा हो, या कोई ऐसी चीज है जिससे मेरे पोषण मिल सके, जिससे मेरी ऊर्जा बढ़ सके, या क्या ये सही मौका है अपने वंश को आगे बढ़ाने का. तो हर चीज में ऐसे पसंद नापसंद करना, क्या करना है नहीं करना है, इस पे सोचता है. लेकिन इंसान के पास एक खूबी है कि हम केवल उस क्षण में जो होने वाली चीजें हैं, जो वातावरण है, उस पर नहीं टिके रहते. हमारा जो पूरा जो यतीत है वो हमें उस चीज के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उस चीज की सोच होती है, उस चीज के ओपिनियंस होते हैं, अलग अलग सोच होते हैं. दूसरा, हम बहुत आगे तक अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, कल्पना बना सकते हैं. तीसरी चीज है, हम अपने बारे में भी कल्पनाएं बनाते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया कि मैं क्या हूँ, मैं आदमी हूँ, औरत हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, बौद्ध हूँ, किसी एक समूह से बिलोंग करता हूँ नहीं करता हूँ, किसी एक देश से बिलोंग करता हूँ नहीं करता हूँ. तो वहाँ उसके हिसाब से जो हम अस्तित्व बनाते हैं, उस अस्तित्व का भी खतरा होता है. वैसे जीवन का खतरा जो है तो होता है, वैसे हम उस अस्तित्व जो हम पैदा करते हैं उसके भी खतरे को वैसे ही हम समझते हैं कि इसके बारे में कुछ करना पड़े. और क्योंकि हमारे पास भविष्य और यदि दोनों के बारे में सोचने और कल्पना करने की क्षमता होती है, तो इसमें हम घूमते रहते हैं कि क्या चीज होगी, ये कैसी चीज है मेरे अतीत में जिससे मैं इस संदर्भ, इस प्रसंग को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता हूँ. तो एक पैटर्न रिकग्निशन होता है कि मेरे अतीत में क्या हुआ है जिससे मैं समझ सकता, क्योंकि हमारा सिर्फ ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि एक मंदिर भी होता है, अगर वो एक फल कहीं चुराने जा रहा है और वहां आसपास उसको शेर की आवाज आती है तो याद रखता है कि अगली बार मुझे यहाँ नहीं जाना. लेकिन हमारे मन में इतने सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं कि मेरा मान क्या है, मेरा अपमान क्या है, मेरी सक्सेस क्या है दुनिया जिंदगी में, फेलियर क्या है, पोटेंशियल, ह्यूमन पोटेंशियल क्या है. ऐसे बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट हमारे बहुत ज्यादा होते हैं बाकी प्राणियों के मुकाबले. तो क्या होता है कि अगर वो तृष्णा बनी रहती है तो इन सब कॉन्सेप्ट को और पास्ट और प्रेजेंट सारी और फ्यूचर सारी चीजों को हम बैलेंस करने और ऑप्टिमाइज करने में लगे रहते हैं कि हमारे लिए सबसे लाभदायक क्या होगा, सबसे कम नुकसानदायक क्या होगा. तो इन बहुत सारी चीजों में हम फंस जाते हैं. और ये जो आप मेंटल प्रोलिफरेशन जो कह रहे हैं, अगर आप सोचेंगे तो यही इसी तरीके की प्रक्रिया आपके मन में हो रही होगी. तो ये मेंटल प्रोलिफरेशन है, इसका समाधान बहुत ही आसान है. 6 कदमों का इस्तेमाल करिए, उसके आधार में जो एक तृष्णा है उसको आप ढीला करेंगे, उसको जैसे खत्म करेंगे तो आप केवल हकीकत के हिसाब से जो उचित कार्य होगा, जो असलियत है, जो यथाभूत है, आप वो समझेंगे कि क्या हो रहा है और इसके लिए क्या उचित प्रक्रिया है, वो आप करेंगे, ना कि ऐसे मन के प्रपंच या मेंटल प्रोलिफरेशन में फंसे रहेंगे. ये 6 कदम जो है इसमें पूरा अष्टांग मार्ग जुड़ा हुआ है, जो कि अगली बार इसका मैं थोड़ा विस्तार करूंगा. ठीक है, तो आप ये सजेस्ट करोगे क्या आफ्टर 6 कदम अप्लाई करने के बाद अगर मन शांत हो गया और नोबेल साइलेंस में आ गया तो उसको कंटिन्यू करना आप सजेस्ट करोगे क्या? हाँ, मतलब आप इफ इट कम्स टू, देखिए अगर आप मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ
कंप्यूटर साइंस का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप आपका काम है कि तृष्णा आप कम करेंगे तो उस प्रॉब्लम पर आपका मन, बाकी चीज़ों की जो तृष्णा है उस पर आपका मन कम भटकेगा। लेकिन जो हमारा ज़्यादातर प्रपंच होता है वो हमारे निजी जीवन, हमारे अस्तित्व, जो हमारा एक सेल्फ इमेज होता है, जो एक कल्पना होती है अपने सेल्फ की, उसी से ज़्यादातर प्रपंच जुड़ा होता है, क्योंकि हम और चीज़ें सोचते हैं कि क्या ये चीज़ करूँगा। आप एक काम कर रहे होते हैं, फिर उस काम से आता है कि आपके बॉस आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपके कलीग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपके प्रमोशन को कैसे अफेक्ट करेगा, आपका प्रमोशन होगा तो आपके बच्चों को कौन से स्कूल में भेज सकते हैं वो कैसे, उससे फर्क पड़ेगा, घर कब खरीद पाएंगे, कितना बड़ा घर खरीद पाएंगे, तो वो प्रपंच होता है। काम आप छोटा सा कर रहे हैं और ये सारे तृष्णा के आधार पर ये प्रपंच आपके बढ़ते रहता है, तो उसमें तृष्णा कम करिए। पहले एक होलसम स्टेट, एक उत्कृष्ट स्टेट में लाइए, मंगल मैत्री भेजिए, उसके बाद वापस अपने कार्य पर लग सकते हैं। अगर ज़्यादा कठिन काम हो तो उसमें साथ में मंगल मैत्री बनाए रखना, मतलब थोड़ी और कुशलता आपको बढ़ानी पड़ेगी वहां तक पहुंचने में, लेकिन तब तक आप बस वापस अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। आज का समय समाप्त हो चुका है, काफी अच्छी चर्चा रही है, मैं ही बोलता रहा ज्यादातर, सवाल उतने नहीं आए जितना आप सवाल पूछेंगे, तो आपको जिस चीज में दिलचस्पी है या जो चीज आपको परेशान कर रही है अपनी साधना में उसका जवाब मैं दे पाऊंगा, तो दिल खुल के सवाल पूछे, कोई सवाल छोटा नहीं है। सवाल पूछेंगे तो न केवल आपका भला होगा पर बाकी जो लोग हैं उनका भी कुछ ना कुछ भला होगा। डॉक्टर साहब आप प्रार्थना में लीड करिए। दुख ग्रस्त हो दुख मुक्त, भय ग्रस्त हो भय मुक्त, शोक ग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी, हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव दे उसे अनुमोदन, आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाग करें पुण्य का अनुमोदन, चिरकाल रखें बुद्ध शासन, साध साध साध।